का हेल्थ बजट तकरीबन 33,000 करोड़ रुपये था। आपके 7 साल के कार्यकाल में गुना बढ़ गया है। इस साल सरकार स्वास्थ्य पर तकरीबन 2.25 लाख करके भारत में मेडिकल एजुकेशन को एक नई गति देने का काम किया। केंद्र सरकार पूरे देश में 157 मेडिकल कॉलेज आज के दिन में खोल रहे हैं। हमारे युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिला है। आजादी के बाद भी जो व्यक्ता हुई जिस बात में पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील से न केवल समझने बल्कि इसके रूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी बोधन सुनने का अवसर उन सभी लोगों को प्राप्त होगा। मेरे लिए मेरे सपने के पूरा होने जैसा ये अनुभव है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2,329 करोड़ की लागत से बने हुए 9 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर और मिर्ज़ापुर और गाजीपुर से तमाम ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं। और हमारा अपना माँ विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज जो 232 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, अब नीट के माध्यम से 100 MBBS की सीटों पर यहाँ प्रवेश मिलेगा। और जहाँ एक और दूर दराज से और यहाँ के खास तौर से बच्चों को अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, उसके साथ ही हमारे इस जनपद के और आसपास के इलाके के लोग जो भी जिन्हें अपनी एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए जनपद के बाहर जाना पड़ता था, अब उन्हें हमारे इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बहुत ही उत्तम चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। तो आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का भी दिन है और मिर्ज़ापुर जनपद वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही बेहतरीन ये हमारा भव्य एक भवन बन के तैयार हुआ है। और हम सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि इस मेडिकल कॉलेज का भविष्य बहुत उज्जवल हो और यहाँ से बेहतरीन शिक्षा लेकर बच्चे देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स बने।